नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आप देख रहे हैं टेक दिस वीक, जहां मैं आपको हर हफ्ते इसी दिन देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज से रूबरू कराता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ खास इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में। Xiaomi फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, कंपनी अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन Redmi Note 5 14 फरवरी को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट और डुअल रियर कैमरा देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसी अटकलें भी आ रही हैं जिसमें माना जा रहा है कि शायद कंपनी Redmi 5 Plus को ही इंडिया में Redmi Note 5 के नाम से लॉन्च करें। पर एनीवे, ये तो 14 फरवरी को ही पता चलेगा कि कंपनी अपने फैंस को इस बार निराश करेगी या फिर एक धमाकेदार फोन लॉन्च करेगी। सेल्फी कैमरा वाले फोन्स की इस दौड़ में अब इन्फिनिक्स ने भी कदम रख लिया है और हाल ही में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन जिसका नाम है हॉट S3। इस फोन में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, 4000mAh की बैटरी और 5.65 इंच का 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। आपको बता दूं कि इसके दो रैम वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, यानी 3GB रैम जिसमें आपको 32GB की स्टोरेज मिलेगी और उसकी कीमत है 8,999 रुपये, और जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगी 4GB की रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और उसकी कीमत है 10,999 रुपये, और आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते लॉन्च हुआ हुआवे का ऑनर 7X, जो कि डुअल रियर कैमरास, फुल विजन डिस्प्ले और किरेन 659 चिपसेट से लैस है, अब ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर भी मिलना शुरू हो गया है। यही नहीं, वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष पर कंपनी ने इसका एक ब्राइट रेड कलर का वेरिएंट भी लॉन्च किया है। ऑनर 7X की शुरुआती कीमत है 12,999 रुपये। रिलायंस जियो ने जब से दस्तक दी है तब से डेटा और कॉलिंग रेट्स गिरते ही जा रहे हैं, और अब रिलायंस जियो के 4G फीचर फोन को टक्कर देने के लिए एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया 500 रुपये में 4G स्मार्टफोन लाने की कोशिश कर रही हैं। यही नहीं, कंपनियां इनके लिए अब एक नया प्लान भी लाने की कोशिश करेंगी जिनमें आपको 60 से 70 रुपये में वॉइस कॉल्स और डेटा का बंडल ऑफर मिल सकता है। पहले दिवाली और फिर नया साल, रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए दो बार कैशबैक ऑफर ला चुकी है। अभी हैप्पी न्यू ईयर ऑफर खत्म हुए कुछ समय हुआ है कि कंपनी अपना एक नया कैशबैक ऑफर लेके आ गई है। इसमें आपको 799 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। इसमें आपको 399 रुपये का ऑनलाइन रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसके बाद कंपनी आपको 50 रुपये के 8 वाउचर्स मुहैया कराएगी जो कि आप रिचार्ज के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको मोबीक्विक कैशबैक, मूवी टिकट्स और होटल बुकिंग के लिए डिस्काउंट कूपन्स भी मुहैया करवाएगी। अब बात करें कुछ इंटरनेशनल न्यूज की, तो काफी लंबे अरसे से चर्चा हो रही थी कि Xiaomi अपना अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi Mix 2S स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट पर पेश कर सकती है। वहीं अब कंपनी का ये फोन बेंचमार्किंग वेबसाइट N22 पर देखा गया है, जिसमें इसके पूरे डिटेल्ड बेंचमार्क स्कोर्स पेश किए गए हैं। यही नहीं, अटकलें आ रही हैं कि कंपनी इस बार इसका फ्रंट कैमरा ऊपर की तरफ देगी और शायद हो सकता है कि Xiaomi इस फोन को MWC 2018 में पेश कर दे। नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन 7 प्लस की खबर हमने आपको कुछ दिन पहले दी थी, वहीं अब इस फोन की फोटोज भी सामने आ गई है जिसमें इसकी स्पेसिफिकेशन की जानकारी भी दी गई है। माना जा रहा है कि इस फोन में आपको 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, 12 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर सेंसर, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिल सकता है। तो ये था इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी ज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देश और दुनिया की टेक्नोलॉजी न्यूज़ से रूबरू हो गए होंगे। पर फिर भी अगर आपको इन न्यूज़ को लेकर कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर हमेशा की तरह आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई ID पर जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।